नमस्कार, मैं हूं लवलीना, आपके साथ प्रोग्राम कला संगम में, और आप देख रहे हैं MSTV। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम मौजूद हैं सरहदें आर्ट एग्जीबिशन में, तो चलिए देखते हैं इन खूबसूरत पेंटिंग्स को। से हूँ और 1928 से ये सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड है, और सोसाइटी एक्ट में भी कहीं आप देखेंगे कि इसका नाम है। तो ये पुराने जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी बनाई हुई सोसाइटी है, और हम 90 साल करीब करीब हो गए हैं इसको, और आर्ट के फील्ड में ही हम काम कर रहे हैं। हमारे एनुअल शोज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं जिसमें पेंटिंग है, ड्राइंग है, ग्राफिक है, स्कल्पचर है, पॉटरी और फोटोग्राफी भी हम हैं। तो और एक हम कैंप हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये तो IFACT के बारे में हो गया। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाने आते हैं, तो उसमें जैसे कि आप ये वाली एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये एक एकदम यूनिक एग्जीबिशन है। इसमें बिल्कुल कलरफुल सारी पेंटिंग्स हैं, और जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं नए हैं, और फ्रेश एक वर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा असली काम आर्ट का ही है। हमारा एक थिएटर भी होता था पहले, जो अभी किसी कारण से बंद है। तो ये दिल्ली का पुराना थिएटर, आर्ट के साथ थिएटर, गैलरी के साथ थिएटर, ये दिल्ली में कहीं नहीं है, सिर्फ IFACT में ही है। बचपन से ही मुझे हॉबी तो मेरी बचपन से ही थी, पर मेरे जो टीचर थे स्कूल टाइम में, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया और उन्हें बहुत बिलीव था मेरे ऊपर, और वो हमेशा कहते थे कि आप गॉड गिफ्टेड हैं और आपको इसी वे में जाना है एज एन आर्टिस्ट। आपको इंडियन माइथोलॉजी मेरा सबसे इम्प्रेसिव, और मतलब मैं इंडियन माइथोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरा मोस्टली जो वर्क रहता है इंडियन कल्चर माइथोलॉजी से रिलेटेड रहता है, और मेडिटेशन सबसे बड़ा मेरे लिए टॉपिक है। एक्चुअली शौक तो मुझे बचपन से ही था, तो उसके बाद फिर मैंने 12th के बाद अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से करियर स्टार्ट किया, फिर फाइन आर्ट में धीरे धीरे डेवलप किया उसको। और मेरा मकसद सरहदे में इसलिए है आने का, क्योंकि एक तो देश से जुड़ा हुआ शो है और मुझे अपने देश से बहुत ही प्यार है और देश के लोगों से, तो एक दीवार एक तरह की टूटती है यहाँ पे आके, जैसे इंडियंस में और मोमडन्स में, दोनों में नहीं तो बहुत ज़्यादा दूरियाँ हो रही थी। तो इसके ज़रिए हम लोग पास में आते हैं, आपस में एक दूसरे का बारे में बात करते हैं, एक दूसरे से के कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो यही मेरा मकसद था इससे जुड़ना। बाकी तो मैं देश से रिलेटेड पेंटिंग्स भी करती हूँ, तो मतलब एक देश का जुनून, और देश में जो बॉर्डर पे लोग हैं, जवान जो हैं हमारे लड़ते रहते हैं, उनकी वाइफ्स जो हैं या उनके घर में जो माँ हैं, बहनें हैं, वो कितनी चिंता में रहती हैं। तो मैंने अपनी पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है, इसीलिए इसका पेंटिंग का नाम दिया हुआ है अनटाइटल्ड, क्योंकि ये सभी उन जवानों की पत्नियों और माओं बहनों के ऊपर है, उनको डेडिकेट की हुई है, इसलिए उनकी चिंता व्यक्त की हुई है। आप उनके माथे पे थोड़ी चिंता की वो लकीरें देख सकते हैं, लेकिन चेहरे पे तेज कम नहीं होता है, क्योंकि वो देश के लिए उनका काम कर रहे हैं। कलर्स तो हमारे जीवन का एक हिस्सा ही है। बच्चे जब शुरुआत में चीज़ें पहचानते हैं, सबसे पहले कलर ही देखते हैं, तो वहीं से हमारे जीवन के कलर्स के साथ हम जुड़ जाते हैं एक तरह से। तो वही चीज़ें हैं कि हम पेंटिंग्स में अपनी जितना हो सके कोशिश करते हैं नेचर से रिलेट करके कलर्स को उनको निकालते हैं और अपनी पेंटिंग्स में डालते हैं। अभी जो आप ये लाइव पेंटिंग बना रहे हैं, ये क्या आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसका कुछ नहीं है, बस अपना एंजॉय कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग विद माय कलर। ओके, तो कितना मुश्किल होता है मतलब कलर्स को कैनवस पे उतारना, मतलब दिमाग की? नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड। लोग
आसमान तारों पे चले जा रहे हैं तो क्या हम अपनी कैनवस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने पूरी एक पेंटिंग बनाई है और अब शायद आप दूसरी पेंटिंग बना रही हैं, तो इमेजिनेशन कितनी स्पीड से दौड़ रही है? ऐसा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑलवेज। कलर्स के साथ इंजॉय करो, वो आपके साथ इंजॉय करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आज की एग्जीबिशन लगी है सरहदे आर्ट एग्जीबिशन, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब हम जो बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे होते हैं उनको हम अपने कैनवस पे उतारने की कोशिश करते हैं, दो हमने सामने से उस चीज़ को शायद उतना फील नहीं किया होता, बट क्या वही पेन वही जो चीज़ें हैं हम एकदम परफेक्टली उतार सकते हैं कैनवस पे? व्हाई नॉट, आपने तो चांद तारे भी नहीं देखे तब भी तो आप पेंटिंग में चांद तारे बनाते हैं, तो वो तो सरहद पे हैं, हमारे बॉर्डर पे हैं और हमारे ही ह्यूमन बीइंग है। लोग तो एलियंस को बना लेते हैं जिनको देखा तक नहीं है, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द वर्ल्ड। चलिए, आपके अंदर एक तमन्ना होनी चाहिए कि यू हैव टू डू वर्क। आर्ट हैज़ नो डेफिनेशन लाइक लव हैज़ नो डेफिनेशन, तो इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है, सभी की अपने अपने देखने का नज़रिया है। कोई कहता है कि सन इज़ ब्लैक, मैं कहती हूँ कि सन इज़ ब्लैक, तो कहते कैसे? मैंने कहा वैन गॉग ने बोला था और उसने बोला, उसको समझते पागल है आर्टिस्ट, सन को ब्लैक कह रहा है, तो उसने प्रूव करके दिखाया कि ही हैज़ टेकन अ वन टायर ऑफ ट्रक एंड बर्न इट एंड टेल द पीपल कि सी इट फ्रॉम द डिस्टेंस, और वो बर्न करता हुआ एक सर्कल है, वो आग का रंग है, सूरज का बेस जो है गैसेज का है वो ब्लैक है। सो साइंस हैज़ प्रूव नाउ द सन इज़ ब्लैक, बेस इज ब्लैक, बट द सर्कल ऑफ दैट रेड इज फायर कलर, सूरज का कलर नहीं है, आग का रंग है वो। तो लोगों का ये सोचने का तरीका हर एक का अपना अपना है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे जान। थैंक यू। जस्ट इन आर्मी को माइंड में रख के मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आया, दैट वॉज इंडियन टाइगर्स, सो आई जस्ट पोर्ट्रेट दैट इन माई पेंटिंग। आई थिंक बाहर का जो टेस्ट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट यहाँ का टेस्ट अभी इट्स लाइक ओके, एक किस्म की पेंटिंग लोगों को पसंद आती है, आधे लोगों को तो अभी भी एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आता, बट बाहर के लोगों को उतना वो है उस चीज़ में। सो मैं 2006 से कर रही हूँ, पहले मैंने डिप्लोमा किया था फाइन आर्ट्स में नीफा से, देन मैंने मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था पेंटिंग को लेकर, देन मैं टीचिंग लाइन में आ गई, फिर भी मुझे लगा पैशनेट थी काफ़ी कि पेंटिंग में कुछ करना चाहिए, अब मैं फिर मैंने कोर्स भी करा ड्राइंग एंड पेंटिंग में सर्टिफिकेट कोर्स रूप इंस्टीट्यूट से, और अब मैं फाइन आर्ट्स कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ BFA टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स से। एक्चुअली मुझे कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, और जब मैं काम करने बैठती हूँ तो माइंड जैसे जैसे वर्क करता है वैसे वैसे मैं अपने कलर्स कैनवस पे लगाती हूँ, तो ऑन द स्पॉट ही पता चलता है कि हमें क्या करना है और कैसे अप्लाई करना है कि एक एस्थेटिक सेंस क्रिएट हो और एक व्यूअर्स को भी अच्छा लगे देखना। बाबा जी की मुझे लगता है कि ब्लेसिंग्स मेरे पे बहुत ज़्यादा हैं और मैं डेली विजिट भी करती हूँ बाबा के मंदिर में, तो मुझे लगा कि आज लाइव कॉम्पिटिशन है तो मुझे बाबा जी के ही पोर्ट्रेट करना चाहिए अपनी पेंटिंग में, इसलिए मैंने बाबा जी को ही बनाया है। मैं कई शोज़ बड़े नेशनल और इंटरनेशनली कर चुकी हूँ अब तक, और ये बहुत ही वाकई में बहुत मुश्किल है, कहते हैं कि बहुत ही टेढ़ी डगर है जिस पे हम चल पड़े हैं, तो इस तरह से आर्टिस्ट को जोड़ना, आर्टिस्ट के वर्क को सेलेक्ट करना और आर्टिस्ट को हिंदुस्तान और इंटरनेशनली अलग अलग कंट्री से और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से एक ही जगह पे एक ही रूफ़ के नीचे लेके आना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। और इससे पहले हमारी एग्जीबिशन थी कबीर जो नेशनल एग्जीबिशन थी, उससे पहले हमारी एग्जीबिशन थी खुशरंग जो इंटरनेशनली हमने की थी जिसमें 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और अब ये हमारी एग्जीबिशन सरहदें हैं, ये भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, और जैसा कि आज आप देख रही हैं यहाँ पर लाइव आर्ट शो चल रहा है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है और कुल मिला के बहुत ही मुश्किल है, किसी भी काम को करना मुश्किल है, लेकिन एग्जीबिशन को एक ऑर्गेनाइज करना, एक इवेंट को वेल मैनेज्ड करना और आर्टिस्ट को पूरे हिंदुस्तान से जिनका टैलेंट छुपा हुआ है उनको आगे लेके आना, तो इट्स वेरी रियली वेरी डिफ़िकल्ट। सरहदी के लिए मैंने सोचा हुआ था कि मुझे कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाइफ में अगर मिला तो मैं इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज करूँगी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं हाइड हो गई हैं जो नहीं नज़र आती हैं, इनफैक्ट सरहदें का भी जो हमारा
पीछे जाके देखें तो सरहद पे जो हमारे जवान हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनके पीछे जो उनकी फैमिली है उनका भी एक बहुत बड़ा कह लें कि बहुत बड़ा या जो है योगदान रहा रहता है। और ख़ास करके फैमिली का इंतज़ार उनके बच्चे के लिए, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो या फिर बच्ची हो, अपने फादर के लिए जो एक इंतज़ार होता है वापस आने का, वो जो एक डेडिकेशन है, वो जो उनका एक कुर्बानी है, वो अपने आप में जो है उसकी कोई कहते हैं कि लफ्ज़ों में नहीं कह सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जीबिशन अगस्त में है, जो नेशनल एग्जीबिशन है जिसका नाम है सलाम इंडिया, इंडिया का प्राउड, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे बॉलीवुड में हो, तो उसको हम, या फिर कल्चर में हो, तो उसको हमने, उसके ऊपर हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और सरहदे जो है उसने हमें बहुत कुछ दिया है, एक प्राउड फील कराया है। एग्जीबिशन में जो आर्टिस्ट हैं उनका जुड़ना ही मायने नहीं है, उनकी हर एक फीलिंग्स भी हमसे बहुत जुड़ती हैं, उनकी उम्मीदें हमारे, जब वो हमारी एग्जीबिशन में हमसे पहली बार बात करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं हमसे होप, उम्मीद बन जाती है, और वो उम्मीद फिर जो है कंटिन्यू जो है लाइफ टाइम हो जाती है कि कहीं ना कहीं हम उनको उस चीज़ के बेनिफिट्स देंगे और उनको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएंगे। तो सलाम इंडिया का भी हमारा ऐसा ही कुछ है और हम जल्दी सलाम इंडिया में आ रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को कि आर्टिस्ट के लिए कुछ सोचें, उनके कैरियर के लिए सोचें, उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ निकालें, क्योंकि देश में, हमारे इंडिया में बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, और जो है भी उसको पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो आम लोगों की सहूलत के हिसाब से कुछ अच्छा ऐसा हो जो हर एक आदमी ईजिली उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ सके। मेरा नाम अंजलि है और इस पेंटिंग में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है, इसका टाइटल है केज्ड बाय इमोशंस, विच मींस कि हम लोग जो भी एक्शन करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं, वो सब रिज़ल्ट होता है हमारे थॉट प्रोसेस का, हमारे इमोशंस का। तो हम जैसा सोचते हैं उस टाइम पर वैसा ही हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है वो भी हम नहीं सोचते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है केज्ड, हम सब एक पिंजड़े में बंद हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर। वो इमोशंस कभी कभी आपके बहुत पुराने भी हो सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड से आ रहे हैं, और या फिर वो सिचुएशनल भी हो सकते हैं। तो टाइटल यही है, इसी में दो लोग दिखाए हैं जो डिपिक्ट करते हैं लोगों को, और बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सारा इमोशंस रिलेटेड है, तो दिखाने की यही कोशिश है। और मैं चाहूँगी कि सारे आर्टिस्ट्स को, सारी गैलरीज को प्रमोशन मिले ताकि आर्टिस्ट्स अपना आर्ट प्रमोट कर सकें और लोगों तक पहुँचा सकें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ ऑल दी आर्टिस्ट गेट प्रमोटेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सारे सवालों के जवाब मिले आज सरहदे आर्ट एग्जीबिशन में कि किस तरीके से कलर्स के माध्यम से हम किसी निजी ज़िंदगी को अपने कैनवस पे उतार सकते हैं, और यही कुछ ज़िंदगी के रूप और रंग भी होते हैं कि कितने तरीक़ों से लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और हम उसको किस तरीके से समझकर अपनी इमेजिनेशन के तौर पर उसे उतार पाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नई पेंटिंग्स और नए नए कल्चर के साथ आपके बीच आऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए MSTV, हर पल आपके साथ।